हम लोग पिछले 23 तारीख से जीबी यूनिवर्सिटी है, गौतम बुद्ध नगर विश्वविद्यालय, उस पर ये सफाई कर्मचारी हैं जो पिछले 8-10 वर्षों से लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन जो विश्वविद्यालय के कुछ अधिकारी हैं उनकी मिलीभगत से इन लोगों का ठेकेदार द्वारा शोषण कराया जा रहा है। इन मजदूरों को 6000 सैलरी मिलती है, ना इनका पीएफ काटा जाता है, ना इनको कोई दैनिक भत्ता मिलता है। अपनी शिकायत हम लोग पिछले 8 महीने से लगातार डीएम साहब को, एसएसपी साहब को, यूनिवर्सिटी में सभी को कर रहे हैं, लेकिन इनकी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। जब अभी 1 महीने पहले इनका 2000 रुपया काट लिया था, इन्होंने आवाज़ उठाई कि हमारा पैसा क्यों काटा गया है, तो उन्होंने बोला कि जब तुम नौकरी छोड़ के जाओगे तो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। हमने पूछा कि ये तो पिछले आठ नौ साल से काम कर रहे हैं, इनका पैसा अब क्यों काटा जा रहा है? नया ठेकेदार आएगा तो नया पैसा काटा जाएगा। उसके बाद जिन बच्चों ने आवाज़ उठाई थी उन लोगों को काम से निकाल दिया। इन्होंने बहुत हाथ पैर जोड़े कि आप हमें काम पे ले लीजिए, लेकिन उन्होंने काम पे नहीं लिया। उसके बाद ये इनका फिर से अभी सैलरी था कि 23 तारीख को ये आंदोलन करने बैठे थे अपनी मांगों को लेके, लेकिन 25 तारीख को इनको सैलरी मिली थी। आप बताइए कि इनको 6000 सैलरी मिलती है, 6000 रुपये में आज हिंदुस्तान में मुझे लगता है कि किसी भी कोने में 6000 सैलरी नहीं है। नहीं मिली, पिछली तनख्वाह कब मिली थी आखिरी? पिछले 4 महीने नहीं मिली थी, फिर आंदोलन करने के बाद मिली, अभी पीछे 2 महीने से नहीं मिली है, और अब जब आंदोलन किया है तो 25 तारीख को सैलरी डाल दी गई है। डाल दी है, अब मांगे क्या है फिर? हमारी मांगे कि हमें जिस ठेकेदार पिछली बार पीएफ घोटाला हुआ, जब पीएफ घोटाला हुआ हमने डीएम साहब को, एसएसपी साहब को लिख के दिया, उसके बाद भी उसने कुछ तो पीएफ का पैसा डाला, लेकिन उसने पूरा पैसा नहीं डाला, यानी उसने चोरी करी और आपको थोड़ा सा पैसा रिटर्न कर दिया आपकी चोरी का, तो उसके खिलाफ क्या कोई कानूनी कार्यवाही नहीं बनती? तो आज आप लोग कलेक्ट्रेट क्या कार्रवाई करने की मांग को लेकर? हमारी 4 मांगे हैं। पहली मांगे कि हमें स्थायी किया जाए, क्योंकि विश्वविद्यालय जो है वो सरकारी है, और उसमें अभी जो टीचर्स हैं उनको सरकारी कर दिया गया है। जो सफाई का कार्य है वो स्थायी रूप में आता है कि चाहे कोई भी काम हो या ना हो, लेकिन सफाई का काम अनिवार्य है। जब वो काम अनिवार्य है तो इनको परमानेंट क्यों नहीं किया जाता है? पहली मांग ये है कि हमें परमानेंट किया जाए। दूसरी ये है कि जो जिस ठेकेदार ने पीएफ घोटाला किया था उसके खिलाफ तुरंत FIR दर्ज करा के उसको उसे जेल भेजा जाए। यूनिवर्सिटी के जिन अधिकारियों की मिलीभगत से ये काला धंधा चल रहा था उनके खिलाफ कार्यवाही हो, और तब तक ये हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी। हम ऐसे ही रोड पे कभी काला दिवस के रूप में, कभी काला मार्च के रूप में, कभी पैदल मार्च के रूप में, और कभी दिन के 12 बजे कैंडल मार्च करके योगी सरकार को, मोदी सरकार को जगाएंगे कि आप कहते हो कि स्वच्छ भारत बनाओ। स्वच्छ भारत वो नहीं बनाते जो 10 लाख का सूट पहनकर फोटो खिंचवा लेते हैं, स्वच्छ भारत ये बनाते हैं।